हेलो एवरीवन, वेलकम इन आर न्यू ब्लॉग। तो टाइम 1:30 हो गए, तो अभी तक बस रूम वगैरह संगवा रहे थे और खाना अच्छी चीज़ें खाता हूँ। देखो ये थे मेरे हेडफोन्स जो मैंने आपको दिखाया, और एक और हेडफोन्स जो कि कल परसों आए थे। अब मैं आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ। देखो मैंने, मेरे पास पहले वाला था वो आपको पता है, जो पहले वाला हेडफोन्स था ना मैंने उसको डाल दिया, मतलब मेरे को उसको रिटर्न करना था क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ी आ रही थी। तो वो रिटर्न जब मैं कर रहा था तो उसका रिटर्न हट के रिप्लेस हो रहा था, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। जब तक मैंने रिप्लेस किया तब तक मैंने एक नया भी मंगा लिया था क्योंकि हेडफोन्स चाहिए थे, तो एक नया भी मंगा लिया। जब तक मैंने नया मंगाया तो मेरा जो रिप्लेस जो मैंने करा वो रिप्लेस वाला भी आ गया, जो नया मंगाया वो भी आ गया। मतलब अगर देखा जाए तो मेरे यही 2-3 हज़ार में मेरे 2 हेडफोन्स आ गए और गलती हमारे नहीं थी, अमेजोन फ्लिपकार्ट अमेजोन मैंने जिससे बी एन मंगाया था उसके थी, और मेरे 2-2 हेडफोन्स आ चुके। तो चलो यार अब खाना खाते हैं क्योंकि आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज थोड़ा काम में ही लग रहे थे, इधर का संगवाया उधर संगवाया, अब संगवा लिया पूरा, अब खाना खाता हूँ। 2 बजे मतलब लंच ही कर रहे, लंच करते हैं अब, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और लैपटॉप का काम भी आज चल रहा है मस्त, वो लाइट चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ लाइट है आज ऐसा है। थोड़ी बहुत खाना खाने के बाद थोड़ी सी होली की प्लानिंग कर रहे थे, तो होली की प्लानिंग करते करते हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो कैमरा है उसको क्या करें। मतलब जैसे अब ये कैमरा, अब इसको अगर इसके साथ रिकॉर्डिंग भी करूँगा तो रिकॉर्डिंग किस वे से करूँ, मतलब हाथ में लेके तो अवश्य नहीं होगा। वो क्या किसी ने गुब्बारा गुब्बारा मार दिया हो जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा फिर, तो कैसे करें। तो कुछ अब मेरे पास आइडिया नहीं आ रहा कि किस टाइप से करनी चाहिए, क्योंकि तो भाई थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि उस दिन कैसे करूँगा मैं ब्लॉग, कहीं हम कैमरे के लेंगे पता ही नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें ब्लॉगिंग मेन करनी कैसे है। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया तो करना। अगर मैंने अभी यूट्यूब पर भी डाला था कि कैसे होगा, तो उधर यही आ रहा था कि जैसे मैंने इस पर एक लेंस कार्ड लगवा रखा था इस पर, तो इस पर छोटा सा पार्ट है, तो ये उनके लिए था जिनने नहीं लगवाया, कि एक थैली लो, उस थैली में लेंस के जितना, मतलब जितना ये लेंस है उतना ये आपको कट करना है। जैसे लेंस पे तो पानी पानी का कोई इतना दिक्कत नहीं होती, लेंस से साफ़ हो जाता है, बॉडी की मेन दिक्कत होती है। तो बॉडी का पूरा डाल लो आप थैली में और इससे काम चला लो बस लेंस। तो अब मेरे को मतलब आपको फिर कुछ इतना आएगा, इतना ऐसे ऐसे दिखाई देगा, देखते हैं। अगर वो आइडिया भी सक्सेसफुल होता है तो आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगा, नहीं होता है तो नहीं देखने को मिलेगा। देखते हैं अब क्या रहता है। और अरे कहाँ जा रहा है भाई कैमरे। और अभी हम लोग अपना होली का प्लान तो मस्त चल रहा है गाइस। आपको मैं भी किस्सा बताता हूँ अभी का। जस्ट मैंने ना एक पानी का बैलून फुला रखा था, ऐसी मतलब हवा भर रखी थी उसमें, मतलब आप मान लो 80% हवा थी, 20% वाटर था। तो उस वो गुब्बारे हम ऐसे खेल रहे थे, उधर मार रहे थे, पापा के हाथ में आया ना तो पापा ने मेरे को मारा, मैं नीचे हो गया और वो गए सीधा मंदिर में, फट गया। हमने मम्मी को बुलाया लेकिन मम्मी चुप रही, मम्मी ने कुछ किसी को कुछ भी डांटा नहीं था ना, नहीं तो ना सब सब खत्म थे आज। वैसे अभी सिर्फ मैं जगह पूरा करना और सब लेटे हुए हैं, आज मेरे छत पर जाने का प्लान है, थोड़े मतलब ऐसे ही जाने का है बस, देखते हैं क्या होगा क्या रहता है, थोड़े अच्छे टाइमिंग पे कि जब थोड़ी धूप जाती है और अच्छा मौसम रहता है तब। गाइस अब आए थोड़ी देर छत पे, काफ़ी दिन के बाद पौधों में पानी डालना है, और मैंने 3 ऐसी भर के गुब्बारे लाया जो कि रखे यहाँ पे। अब ना हमारे रेंट पे गुच्छा रहता है, उसने रास्ते में मेरे को बोला मार दे मार दे, तो अभी मैं उसको ये कह दूँगा, तो मतलब उसने मेरे को कहा कि मैं अभी छत पे आ रहा हूँ, मतलब वो खुद ही मेरे से मरवा रहा है कि तू मेरे को मार ले। आज थोड़ी सी जल्दी आ गए क्योंकि सनसेट अभी नहीं होगा, अभी थोड़ा सा टाइम निकलेगा, अभी सन दिखाता हूँ मैं कहाँ पर है। देखो अभी ऐसा सन वहाँ पे तो शॉट्स भी बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे, अगर मैं प्लांट का भी लूँ तो देखो बहुत ही रोशनी आ रही है, इसलिए अभी शॉट्स नहीं लेंगे। अभी मैं छत पर आ गया, मेरे को लगा थोड़ी सी शाम से हो रही होगी, लेकिन आई वाज रॉन्ग। पूरी छत, पूरी की पूरी छत कपड़ों से भरी हुई है, तो अभी तो मैं इन कपड़ों को पहले साइड कर रहा हूँ, तो बस इधर उधर घूमते रहो इधर उधर, क्योंकि सनसेट तो अभी होने नहीं वाला, जब होगा तब होगा, अब देखते हैं। थोड़ा सा लग ही नहीं रहा कि थोड़ा सा नीचे भी आ जाए,
कैसे मैं सोच रहा हूँ कि सीढ़ियाँ ऊपर लगा दे क्योंकि तो ओ भाई ये क्या है पता चला भाई सब लिफ्ट का क्या सिस्टम रहता है ना। आई थिंक ये पूरा का पूरा यही चीज संभालती है, यही चीज अब सब कुछ करेगी। उसके बाद चलो मैं सीढ़ी ऊपर लगाता हूँ। गाइस सीढ़ियों का मैंने लगाया है ऊपर बहुत मेहनत के बाद, तो अब मैं आपसे ऊपर ही मिलता हूँ। चलो अब ऊपर चलते हैं। गाइस इसकी तो रिकॉर्ड, इसकी तो बैटरी बहुत कम है, तो मैंने अभी देखा यार वेस्ट ना हो जाए। देखो गाइस अपने सोलर पैनल ऊपर से मस्त है ना। होली को कैमरे मतलब होली पे कैमरे को कैसे बचाए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अब गोप्रो तो ले नहीं सकते एक दिन के लिए, देखते हैं फिर क्या करते हैं और बता देना यार प्लीज़। गाइस सारे पौधों को पानी डाल लिया है, अब चलते हैं हम लोग नीचे क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी रात टाइप हो गया, तो लेट्स गो अब चलते हैं नीचे। पहले मैंने सोचा कैमरे पर मार दूँ लेकिन अब ले चलते हैं हाथ में और देखते हैं कि आज काम क्या हुआ है। लिफ्ट का बिल्कुल इधर ले आया, मतलब इधर से आधा और उधर से नीचे करते। अभी तो हम हाथ से करते हैं क्योंकि अभी पैर पर लगाए थे तो अब वो बटन अभी काम नहीं करे फिर से। वैसे थोड़ी देर लैपटॉप पे लगने के बाद, मतलब लैपटॉप पे गेम नहीं, वैसे थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग गाना सुना इन सब के बाद अभी शुभ और मम्मी गई हैं अपनी फाइनल फोटोज़ लेने, जो मैं आपको दिखाऊंगा। यार अगर उस दिन ब्लॉग बनाऊंगा ना तो बड़ा अच्छा, मतलब यादगार दिन रहता वो भी कि अपने स्कूल की फर्स्ट फोटोज थी। लेकिन कोई नहीं, तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। अब मैं चलता हूँ थोड़ी देर बाहर, लेट्स गो। आज कल तो बस इधर गए उधर गए यार, मेरे को कहीं ट्रिप पर जाना है यार, कहीं बाहर घूमने आराम से, मज़ा आता है इसमें। लेकिन हो लिया कि वाह, ये मेरे साथ ना ये थोड़ी सी आप कुछ भी कह सकते हो, ये मेरे साथ बीमारी है कि जैसे मेरे को अभी एकदम ट्रिप पे जाने का मन किया, मेरे को एकदम से होली किया था कि ट्रिप गया, अब मेरे को बस होली 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 याद है यार। होली यार बड़ा मज़ा आता है यार होली पे। आप ये फोटो ना आप मेरे पापा के यूट्यूब पे भी भेजते हो है? ये वीडियो ना जो आप बोल रहे हो अभी, ये फोटो ना आप मेरे पापा के यूट्यूब पे भी भेजते हो, उससे क्या होगा? देखती हूँ मैं रोज। अच्छा तो तू उस पे तेरे को लिखना तो आता है ना? हाँ। तो तू मेरा नाम लिख देगा युगांश कुरियर, ठीक है? मेरे को आती नहीं स्पेलिंग। पापा से पूछ लेना अपने। पापा बताएंगे नहीं, पापा बोलेंगे क्या किस लिए। अच्छा चल मैं भेज दूंगी, ठीक है मस्त देखियो। ओके गाइस तो अब मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है, तो इतना था हमारा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना। अगले ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अब इसको मैं एक्सपोर्ट करके अपलोड करता हूँ।